साथियों, हमारी पृथ्वी, यहाँ के जीव जंतु और जंगली जानवर हमको कई बार आश्चर्यचकित कर देते हैं और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं क्या वह सच है। तो आज हम आपको ऐसे ही जानवरों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। इनमें से कई सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस जानवर के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस जानवर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं उस जानवर के नाम है टिड्डी। साथियों, टिड्डी के बारे में तो आपने अवश्य ही सुना होगा। वैसे तो आजकल टिड्डी आने के समाचार बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन कई साल पहले टिड्डी पूरे झुंड के साथ खेतों पर आक्रमण कर देती थी और किसान उसके आगे बेबस था। किसान बेचारा कुछ नहीं कर सकता था और उसकी नजरों के सामने पूरे खेत को यह जानवर चट कर जाती थी। वैसे तो देखा जाए तो यह आर्थिक महत्व का कीट है। कुछ देशों के अंदर इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके अंदर टिड्डे को बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। मित्रों, इसके प्रकोप से कोई भी पौधा बच नहीं सकता है। आमतौर पर यह जामुन और नीम जैसे पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। वैसे देखा जाए तो टिड्डे का प्रकोप भारत के अंदर कुछ ज़्यादा ही है। साथियों, एक दौर ऐसा था जब भारत पर टिड्डी का आक्रमण हुआ था, तब भारत के अंदर अकाल पड़ा है और अब तक भारत के अंदर टिड्डी ने 15 बार आक्रमण कर चुके हैं। यह ऐसा कीट है जो अपने मार्ग के अंदर आने वाले हर चीज को साफ कर देती है और पूरे इलाके को वीरान बना देती है। साथियों, टिड्डी कीट की विश्व भर में कई प्रजातियां मिलती हैं। इस कीट का एक ही जाति है टिड्डी कीट। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, महाद्वीप में यह बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। रेगिस्तान में मिलने वाले टिड्डी भारत में आने वाले मुख्य प्रजाति है। इस टिड्डी को रेगिस्तानी टिड्डी कहते हैं। यह अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से ईरान और पाकिस्तान होकर भारत के पंजाब राज्य में आती है। वयस्क टिड्डी की उड़ने की क्षमता अधिक होती है और यह कीट अधिक दूरी तक बिना रुके उड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि टिड्डी एक दिन में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। साथियों, इस कीट की लंबाई की बात कर ली जाए तो इस कीट की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर होती है, जबकि झुंड में हमला करती है और टिड्डियों का झुंड कई किलोमीटर तक फैला होता है जिसमें अरबों की संख्या में यह रहते हैं। मित्रों, यह कीट लगभग एक बार में 500 से 1000 अंडे देती है। टिड्डी का जन्म के समय रंग गुलाबी होता है जबकि बड़ा होने पे पीला या भूरा हो जाती है। साथियों, यह कीट ज़्यादातर ही एकांत रहना पसंद करते हैं और आपस में कोई भी संपर्क नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों यानी आंधी बारिश के कारण टिड्डी आपस में संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के बाद टिड्डी झुंड का दल बना लेते हैं और टिड्डी के झुंड में करोड़ों या कहे तो अरबों कीट शामिल होते हैं। साथियों, आपके मन में एक शंका जरूर होगा कि यह जानवर इतना झुंड में कैसे आ जाते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि इन कीट के पास आने का एक वैज्ञानिक कारण है। टिड्डी के तंत्रिका तंत्र में एक सेरोटिन नाम का हार्मोन उत्सर्जित होता है। जब ये कीट आपस में रगड़ खाते हैं तब यह हार्मोन्स इनके पास लाता है। टिड्डी फसलों और हरे पौधे के झुंड में हमला करके उसे खा जाती है और इस कीट का एक सामान्य दल एक दिन में करीब 35,000 लोगों का खाना चट कर सकता है। इसलिए यह कीट खतरनाक होता है, खासकर किसानों का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। साथियों, यह कीट मच्छरों की तरह इंसान को काटते नहीं है, इसलिए इंसान को इससे कोई खतरा नहीं होता है, परंतु यह फसलों को खाते हैं जिससे इंसान का भोजन प्रभावित होता है। साथियों, अंत में आपको इस कीट के जीवन काल के बारे में बता दें कि यह कीट लगभग 3 माह तक जीते हैं। कुछ टिड्डे कीट इससे भी ज़्यादा दिन तक जी लेते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको
जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा।